बात करते हैं बबल पेन, ठीक है। बबल पेन 1945, ठीक है। बबल पेन कब आया था? जब लॉर्ड लिटिंगो को रिप्लेस कर दिया था ऐसा गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड बेवल ने इन अक्टूबर 1943, ओके। लॉर्ड लिटिंगो ठीक है। लॉर्ड लिटिंगो वाज रिप्लेस्ड बाय द लॉर्ड बीवर इन अक्टूबर 1943, ठीक है। टू रिजॉल्व द आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है मुस्लिम लीग डेडलॉक ओवर द सेपरेट स्टेट, ठीक है। अफकोर्स तो मुस्लिम लीग बोल रहा था कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान, और कांग्रेस उसका विरोध कर रहा था, ठीक है। इसके पहले हम हमने क्या देखा था कि फॉर्मूला ना राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, उसके बाद में आएगा देसाई लियाकत पैक, ठीक है। जब वो देसाई लियाकत पैक जब सामने आया सबके सामने तो बहुत ही बवाल मच गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब देसाई साहब गए थे और लियाकत से मिल रहे तो वो समय नहीं, कांग्रेस को पता था, इवन गांधी जी को भी नहीं पता था कि मतलब देसाई साहब जाके लियाकत से मिल रहे, और ना ही मतलब लियाकत जो थे वो जिन्ना के बाद में थे, मतलब जिन्ना जितने सुपीरियर थे उसके लेवल पे लियाकत भी थे, उसके लिए वो जाकर पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने, और वहां पर मुस्लिम लीग में जिन्ना को भी नहीं ये सब नहीं पता था कि ये जो ये लियाकत है वो जाके जैसा सबसे मिल रहा है। और जब ये टैक्स का जो भी 4-5 पॉइंट का वो जो सबके सामने आया तो लियाकत ने तो सीधा मना कर दिया कि नहीं मैं ये सब तो पता टैक्स में तो था ही, आई डोंट नो ये टैक्स किसने किया, ऐसा कौन जैसा ही था, ठीक है। तो मतलब जो कद जो कांग्रेस से जो बड़ा हो चुका था, भाला भाई देसाई, ठीक है, उनके नाम में अभी भी भोला भाई है ना, हाँ उनके नाम में कभी भी है ना, हाँ तीनों का भाव है, वो सत्याग्रह के टाइम पे थे, समय नहीं थे, ठीक है। तो फिर जैसे ही है कांग्रेस में तो इनका जो मतलब पद था जो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका था, अब वो नीचे मतलब वो उनको सब लोग इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपने इतना बड़ा पैक करके आया और आपने किसी को आपने बताया क्यों नहीं, आपको बताकर पैक करना चाहिए था। तो फिर से जो डेडलॉक क्रिएट जो पहले से ही था वो डेडलॉक क्रिएशन अभी भी मतलब चल रहा था, ठीक है। अभी भी कुछ डेडलॉक उन लोग के बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ था, तो इसके लिए आए थे बेवल। जब बेवल आया था तब उन्होंने लॉर्ड लिटिंगो को रिप्लेस कर दिया था एज द गवर्नर जनरल और इसके वाइसराय अक्टूबर 1943। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिप्लेस द डेडलॉक बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। तो ये भी अफकोर्स ये भी अपने लेके आएंगे कुछ प्लान, और उस समय जो थे तो बोलते कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो थे एमरी, ठीक है, एमरी वर
एमरी वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट थे, द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। इफ ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एग्री टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर एफर्ट, ठीक है। जो भी वॉइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो सब सिर्फ इंडियन रहेंगे, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। कौन थे वो? एक वॉइसराय और एक कमांडर इन चीफ, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के सब लोग रहेंगे, सब इंडियन ही रहेंगे। वॉइसराय को वीटो पावर दिया गया था, लेकिन वो भी मिनिमम, ठीक है। फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो, ठीक है, फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो वुड बी ट्रांसफर टू गवर्नर जनरल टू इंडियन मेंबर, ठीक है। पहले बात क्या करते थे कि फॉरेन डिफेंस
अभी भी जो डिफेंस था, जैसे कि डिफेंस था वो अभी भी ब्रिटिश के ही हाथ में था, जो भी वहां पर था वो बैठा कमांडर इन चीफ, तो डिफेंस का वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में था, सिर्फ इंडियंस के हाथ में फॉरेन पोर्टफोलियो इंडियंस के हाथ में थमा दिया गया, ठीक है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो तो संभाल सकते हो। इन दिस प्लान वो दिस प्लान, अगर ये अगर प्लान अगर सेंटर पे कामयाब हुआ, ठीक है, इफ दिस प्लान वर्क एट द सेंटर देन स्टेट पैटर्न विल बी यूज इन द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, अगर ये पैटर्न सेंटर पे कामयाब हुआ तभी हम जाके इसको सेम एज वे कॉपी पेस्ट करेंगे प्रोविंशियल लेवल के लिए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे मतलब उन लोग को समझ के आ गया था कि अब अगर इंडियंस को हम लोग ज्यादा पावर नहीं ट्रांसफर करेंगे तो हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड बेवेल इनवाइटेड 21 पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, लॉर्ड बेवेल इनवाइटेड 21 पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग द महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जीना टू द शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको शिमला में बुलाया गया था, द कैपिटल द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, इसको शिमला को द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं। तो नॉर्मल दिल्ली था, पहले जो था वो बंगाल था ना, बंगाल के बाद में दिल्ली दरबार जब हुआ तो वहां से हो गया दिल्ली शिफ्ट हो गया, पार्टीशन में दो थे ना, समर के लिए शिमला, ठीक है, और नॉर्मल दिल्ली, ठीक है। तो इनको बुलाया गया था दिल्ली में जून 25, 1945 को, इन लोग को मतलब 21 पॉलिटिकल लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया था, उसको उन लोग को इनवाइट किया गया था टू डिस्कस अबाउट द बेवेल प्लान, ठीक है। जीना इनिशिएटेड दैट ओनली लीग मेंबर कुड बी द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल एंड अपोज द कांग्रेस नॉमिनेटिंग द मुस्लिम मेंबर, ठीक है। जीना बोल रहे थे कि जो भी मुस्लिम मेंबर जो काउंसिल में जाकर रिप्रेजेंट करेगा वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही उसे नॉमिनेट करके भेजेगा, ठीक है, उसे कांग्रेस नॉमिनेट करके नहीं भेज सकता। ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीग में नहीं बल्कि आपको पता है कि वो कांग्रेस में भी थे, ठीक है, तो कांग्रेस भी तो अपना मुस्लिम लीग अपना मतलब पार्टी से कोई मुस्लिम को इलेक्ट करके भेजेगा, तो उसमें सिर्फ आप ही अपना इलेक्ट करके कैसे भेज सकते हो। तो जिन्ना का सबसे पहला मांग था वहां पर जो भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जो भी बैठेगा उसे सिर्फ मतलब हम लोग मतलब मुस्लिम लीग उसे नॉमिनेट करके वहां पर भेजेंगे, कांग्रेस का कोई राइट नहीं है कि वो अपने पार्टी से कोई मुस्लिम को वहां पर बैठा। तो यहाँ पर कांग्रेस ने ये मांग को सीधा खारिज कर दिया, ठीक है। फिर बाद में जिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड अ विटो पावर, ठीक है, जिन्ना ने बोला कि हम जो भी मुस्लिम वहां पर बैठेंगे पहले तो वो तो सिर्फ आएंगे, उनका पहले डिमांड क्या था कि पहले जो वहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो सिर्फ रहेंगे मुस्लिम लीग के, ठीक है। सेकेंड डिमांड था कि वहां पर जो भी मुस्लिम बैठेंगे उनके पास रहेगा विटो पावर, ठीक है। एक तो तुम 6 सीट लेके जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 25% ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिटिश ने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, ऊपर से तुम्हारा सबसे मतलब बेकार डिमांड यह है कि वहां पर 14 में से 6 मेंबर जो मुस्लिम बैठेंगे उनके सिर्फ मुस्लिम लीग ही अपॉइंट करेगा। दूसरा मांग तुम्हारा यह है कि हमें वीटो पावर भी चाहिए कि अगर कोई भी प्लान निकले, ठीक है, और अगर डेडलॉक हो तो गवर्नर के पास तो है ही, मतलब गवर्नमेंट में है ही कि गवर्नर को भी मिलेगा वीटो पावर, लेकिन वो वीटो पावर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कल के अगर कांग्रेस अगर पास कराना चाहेगा कि ये मतलब देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए तो वो वीटो पावर करके वो उसे रोक देंगे, ठीक है। तो इन लोगों का गेम प्ले बहुत मतलब अलग ही लेवल का चल रहा था। आप आगे आप सोचोगे तो जिन्ना डिमांडेड था वीटो पावर फॉर द मुस्लिम, ठीक है। जिन्ना रेफ्यूज टू गिव द नेम फॉर द काउंसिल अनलेस द गवर्नमेंट एक्नॉलेज दैट द ओनली मुस्लिम लीग वॉज एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम, ठीक है।
जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव का नाम देने से मना कर दिया था, उनका एक शर्त यही था कि जब तक गवर्नमेंट अपने आप से कबूल नहीं कर लेती कि जो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम लीग से आएगा वही पूरे इंडिया का मुस्लिम लीग को, पूरे इंडियन के मुस्लिम को वो वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। बात को समझ रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिन्हा ये चाह रहा था कि जो मुस्लिम लीग है ठीक है, सिर्फ उसके जो मुस्लिम वहां पर नॉमिनेट होके जाए, कांग्रेस की मुस्लिम वहां पर ना जाए ठीक है। उसका मतलब बोलना यह था कि ओनली मुस्लिम लीग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम। कब होगा डाउट क्या है आपको? नहीं तो आपको का? आपको मतलब कहां से डाउट? नहीं तो जिन्हा ने ये बोला कि जब तक कांग्रेस सॉरी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पक्का नहीं कर देती कि हमारा ही बंदा जाके वहां पर मुस्लिम के सीट पे बैठेगा, तब तक हम अपने बंदे को अपने मेंबर्स का हम लिस्ट नहीं देंगे ठीक है। इन लोग को वहां पर अपने मेंबर्स का लिस्ट देना था कि हमारे ये नॉमिनेटेड मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जाके वहां पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। असली में तो होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम कांग्रेस से भी आना चाहिए थे, मुस्लिम लीग से भी आना चाहिए था, लेकिन जिन्हा को ये मांग बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई कांग्रेस आए, उनको मांग ये था कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग से ही आएगा, तो आएगा सिर्फ मुस्लिम लीग से आएगा ठीक है। और उनका एक दिमाग ये भी था कि अगर मुस्लिम कांग्रेस से भी आया तो यहाँ पर कांग्रेस हम लोग को डोमिनेट कर देगा ठीक है ना, यहाँ पर कांग्रेस हम लोग को डोमिनेट कर देगा। तो इसके लिए अगर ये हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो हमें दूसरा डिमांड मांगना चाहिए कि वीटो पावर फॉर मुस्लिम। कि अगर कांग्रेस यहाँ पर मेजोरिटी में आ भी गया लेकिन वीटो पावर रहेगा हमारे पास और हम उसे हरा सकते, हम उसे रोक सकते ठीक है। तो इनका गेम प्लान को समझ लीजिए, क्या गेम प्लान ऐसा चल रहा है ठीक है। अगर कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन में आए जैसे कि नहीं ना, ऑफकोर्स उनका डिमांड ही था कि हमें अलग पाकिस्तान बना के, हमें अलग पाकिस्तान बना के दो, या तो तुम हमारा बात मानो या तो हमारा अलग पाकिस्तान बना के दो। तो ऑफकोर्स वो तो अलग डिमांड तो रखेंगे रखेंगे, ऑफकोर्स जब इतने सारे मुस्लिम सपोर्ट में थे तभी तो जीना ही इतना बड़ा लीडर बना। वही है ना, वो क्या बोलते कायदे आजम बोलते उसको पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद अली जीना ठीक है। बल्कि उनकी ही बहन को उन्होंने सीधा गोली मार दिया था, लेकिन अभी भी उनको उनकी बहन को पाकिस्तानियों ने पकड़ के, पता नहीं उन लोगों का किला चढ़ता है कि दे आर द मतलब ये देशद्रोही है ठीक है। हाँ ये हम मतनी नहीं है तुम्हारा, तो अभी भी लोग बोलते कायदे आजम जैसे कि हम अपने बोलते फादर ऑफ नेशन गांधी जी, लोग बोलते कायदे आजम जिला मोहम्मद अली जिला, तो उन लोग का चलता रहता है ठीक है। आफ्टर दिस ये सब नौटंकी करते करते वार हो गया एंड ठीक है, जो वॉर चल रहा था वो वॉर हो गया एंड ठीक है। After this, the war ended and new Labour government was elected in the Britain. Okay? This new government was initiated to give the independence to India without much delay and send the cabinet list. Okay? ये जो Labour government आया, इसका एक ही था कि मैं इन लोग का झगड़े में छोड़ो, इन लोग को इनका पावर दे दो और हम लोग अपना देश हम संभालेंगे ठीक है। यहाँ पर कौन आ गया था? Labour Party, पहले था चर्चिल ठीक है। अगर चर्चिल होता तो उन लोगों मतलब मिलता तो वो लेट से मिलता ठीक है। यहाँ पर चर्चिल हार गया था और लेबर पार्टी में वहां पर आ गया था चर्चिल के बाद में, और माउंटबेटन में उसका जिक्र है ठीक है। तो चर्चिल तो वहां पर चला गया था, बाद में आया था लेबर पार्टी ठीक है, बाद में आया था लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी ने बोला था कि इन लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोग को इंडिपेंडेंस दो और इन लोग से अपना जान छोड़ा, तो आगे चल के वो अपना भेजेगा कैबिनेट मिशन ठीक है। कैबिनेट मिशन में जाने से पहले हम लोग पढ़ते हम लोग पढ़ते इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में ठीक है। इंडियन नेशनल
बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। ऐसा वैसा मतलब अच्छा ठीक है नहीं मैं सही बोलूं आज ही करवाऊंगा देखो वो पीछे का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ऑन 1st सितंबर 1st सितंबर 1939 ठीक है और 1st सितंबर 1939 वॉर वाज स्टार्टेड ठीक है और 1st सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर टू वाज स्टार्टेड ठीक है। ब्रिटिश आर्मी फियर दैट जापानी विल अटैक ऑन द साउथ ईस्ट एशिया ठीक है क्योंकि उन लोग का साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी उन लोग का कॉलोनीज था जैसे कि सिंगापुर फिलीपींस मलय हांगकांग मलय मतलब एक सिंगापुर का एक छोटा सा आइलैंड है ठीक है तो मलय और हांगकांग ठीक है। तो ब्रिटिश को ये डर लग रहा था कि जो जापानीज है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया पे आके हमारे जो वहां पर टेरिटरी वहां पर आके वो हमला ना कर दे। तो यहां से ब्रिटिश ने अराउंड 70,000 ट्रूप्स ठीक है 70,000 ट्रूप्स में वेर सेंट टू प्रोटेक्ट द साउथ ईस्ट एशिया ठीक है टू प्रोटेक्ट द साउथ ईस्ट एशिया। तो इनके जो हेड बनाए गए थे ना ठीक है ब्रिटिश ने भेजा ठीक है ब्रिटिश को ये डर लग रहा था कि कहीं जापानी आके हमारे जो टेरिटरी है साउथ ईस्ट एशिया पे जैसे कि मैंने अभी मैंने नाम दिया सिंगापुर मलय ठीक है फिर बाद में हांगकांग ये सब के ऊपर आके ब्रिटिश कहीं कब्जा ना करे ठीक है। तो इसके लिए ब्रिटिश ने भेजा था 70,000 ट्रूप जिसके मेन हेड थे मेन लीडर थे जो मलय में जाके वहां पर अपना मतलब जाके वहां पर बैठने वाले ठीक है मलय में जो इंडिया के जो ट्रूप के हेड थे वो थे मोहन सिंह ठीक है मोहन सिंह वॉज द हेड। ऑन 3rd सितंबर On 3rd September 1939, Lord Lithgow declared that the India will be the fighting alongside of the British in World War II. ठीक है ना किसी से पूछा ना कुछ एडवाइस दिया और Lord Lithgow ने और 3rd September 1939 को declare कर दिया that British will that Indians will fight for British in वर्ल्ड वॉर टू ठीक है। इसके बदले में भड़क गए थे कांग्रेस ठीक है। तो दे वेर एंगर एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एरोगेंस ठीक है। कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम द प्रोविंशियल मिनिस्ट्री क्योंकि मैंने आपको मैंने जब मैं सिखाया था 28 मंथ्स ऑफ द कांग्रेस रूल ठीक है
तो उसमें उन लोग का 28 मंथ क्यों था, क्योंकि इसी वजह से उन लोग ने जितने कांग्रेस के पार्टी थे मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कब हुआ था? देखो देखो तो जब तक पूछूंगा और जब तक देखूंगा नहीं तब तक वो ईयर तुम्हारे दिमाग में घूमते जाएंगे। देखो चांदनी आप भी देखो, अगस्त 1942 ना सिर्फ 1942 भी अगर याद रखती है तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, 1942 को एडमिशन भी आया था, वो भी आया था ना उसके साथ ही नहीं आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ एडमिशन कर देते हैं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, वो भी एक सुभाष चंद्र बोस का था कि सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज द मास लेवल। ठीक है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप चालू कर दो मास लेवल पे, लेकिन हमारे गांधी जी ने बोला ना हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो ना 1939 को इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ द वॉर, इंडियन ट्रूप विल बी द पार्ट ऑफ द वॉर, इंडियन विल बी द पार्ट ऑफ द वॉर, और स्टार्ट कब हुआ फुल क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को। ठीक है, इसको किसने क्या बोलते क्विट इंडिया मूवमेंट। और जो ये सुभाष चंद्र बोस वो सोच रहे थे जल्दी हम लोग को जल्दी स्टार्ट करना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइप का कुछ ऐसा जो मतलब काफी मतलब बड़ा इवेंट हो जाए, काफी उसमें मास पार्टिसिपेशन हो जाए लोगों का, और यहाँ से हम लोग ब्रिटिश को उठा के फेंक सकते हैं क्योंकि वो बिजी वहां पर वर्ल्ड वॉर में, और अगर यहाँ पर हमने उनको मास प्रोटेस्ट दे दिया ठीक है तो वो यहाँ से उखड़ के वो जा सकते हैं, जिससे यहाँ पर गांधी जी ने बोला नो। ठीक है, गांधी जी टू टिक ओन टाइम सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट द मूवमेंट एट कोलकाता। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि यहाँ पर मुझे बापूजी को मनाने से अच्छा है कि मैं कोलकाता में जाके अपने लेवल पे मूवमेंट में स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो ये बापू का कुछ अलग सा प्लान होगा। ठीक है, बापूजी देखना चाहते थे कि उन वहां पर रिजॉल्विंग भी चल रहा था ना, ब्रिटिश बोल रहे थे कि हम आपको कुछ देंगे, क्या लाया था अगस्त के ऊपर लाया था ना कि मान जाए। ठीक है, तो बापू जी सोच रहे थे कि हो सकते कि इससे भी कुछ अच्छा आ जाए कुछ एक्ट में हमारे फायदे के लिए, तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, या हमें कुछ नहीं मिला तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने चालू कर दिया। एक्चुअली वो चालू हुआ था, मेन बात वो था वॉर। ठीक है, वॉर चालू हुआ था। ठीक है, वॉर चालू हुआ था, वॉर के बाद में क्या आया था अगस्त ऑफर आया था ना, अगस्त ऑफर के बाद में क्या आया था किप्स मिशन आया था। जब किप्स मिशन में गांधी जी को अगस्त ऑफर में भी गांधी जी को कुछ इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उन लोगों को लगा ठीक है ब्रिटिश ने भेजा किप्स किप्स, ठीक है स्टैनफोर्ड किप्स को भेजा कि तुम जाओ उन लोगों को कुछ और अच्छा अच्छा चॉकलेट दिखा के लेके आओ और अच्छे अच्छे पॉइंट बता के लेके आओ। तो जब क्रिक्स आया तो वो भी इंडियन को लगभग लगभग सेम था, सेम ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिक्स मूवमेंट भी यहाँ पे गांधी जी को या हम इंडियन को मतलब अपने साइड में लेने में वो फेल हो गए। ठीक है, तो फिर से वहां पर चालू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, टाइमलाइन रखना यार, इलेक्शन पहले इलेक्शन डिक्लेरेशन ऑफ वार। ठीक है, इंडियन आर द साइड इंडियन विल फाइट फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, फिर बाद में रिजाइन
रिजाइन के बाद में अगस्त प्रॉपर के बाद में क्रिप्ट मिशन के बाद में क्विक इंडिया मूवमेंट, लेकिन क्विक इंडिया मूवमेंट के पहले हमारे बोध जी, मतलब टाइमलाइन के पीरियड में वो सबसे पहले बोध जी थे, ठीक है। फिर बोध जी ने सोचा कि गांधी जी से बात करने से अच्छा है कि मैं अपने लेवल पे जाके मैं कुछ नहीं तो कुछ मूवमेंट में चालू में करता हूँ, तो इसके लिए कोलकाता में जाके अपना मूवमेंट ये चालू कर दिए थे। और वहां पर एक मतलब बोलते ना एक मॉन्यूमेंट का, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट का नाम याद रखना, हाउवेल मॉन्यूमेंट। हाउवेल मॉन्यूमेंट नहीं 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 बना नहीं रहता, बन चुका था, ठीक है। हाउवेल मॉन्यूमेंट, ये हाउवेल मॉन्यूमेंट क्या था, ये हाउवेल जो है ना ये वो आदमी के लिए था, मतलब याद रखने के लिए था कि जो ब्रिटिश पीपल जो ब्लैक होल पे निकल के बाहर आए। ब्लैक होल स्ट्रेटेजी पता है कहाँ पर है ये ब्लैक होल स्ट्रेटेजी? बंगाल ना, प्लासी ना, प्लासी क्या ऐसे ऐसे क्यों भूल गए? इसका मतलब घर पे मेरी रिविजन नहीं करते हो, मैं जाके टाइम पास करती हूँ घर पे, देन वो कैसे भूल सकती हो, है ना चार्ली? ठीक है, तो ये मतलब हॉवेल ये मॉन्यूमेंट क्यों बनाया गया था, ये उन लोगों के याद में बनाया गया था कि जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो ब्लैक होल ट्रेजेडी से वो बाहर बच के वो निकल आए थे, ठीक है। तो उनके सम्मान के लिए ये हॉवेल मॉन्यूमेंट बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इससे अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए इससे अच्छा पॉइंट मुझे मिल नहीं सकता, ठीक है। तो हॉवेल मूवमेंट वॉज फाइनली रिमूव, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसको लेके, हॉवेल मॉन्यूमेंट को लेके, और फाइनली उसको प्रोटेस्ट करके यहाँ पे उन्होंने हटा दिया था, ठीक है, तोड़ दिया था। तो फिर बाद में ब्रिटिश यहाँ पे चुप तो नहीं बैठेंगे, ब्रिटिश आए बोस जी को उठा के दिसंबर 1914 को उनको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है। दिसंबर 1940 को बोस जी को जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बोस जी गए, फिर बाद में बोस जी ने भी अपना वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो गांधी जी अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फास्ट उनको पूरा इंडिया जान रहा था, अगर जेल में मरेंगे तो लोग बोलेंगे कि ब्रिटिश ने उनको मारा है, अब ब्रिटिश को हम मारेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने उनको उठा के हाउस अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। उनका हाउस एल्गिन रोड पे, ठीक है, था उस समय एल्गिन रोड पे उनका हाउस था, उनको उठा के हाउस अरेस्ट कर दिया था, ठीक है, कि आप घर में ही बंदी रहोगे और बाहर सब ब्रिटिश आर्मी पहरा दे रही थी। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वो वहां से निकल नहीं पाए। तो मतलब एक दिन वैसे ही बाहर निकले और 17 जैन को 1941 को वो अपने घर में से पठान का वेशभूषा पकड़ के, दाढ़ी रख के, टोपी पहन के और पठानी सूट पहन के वो यहाँ से एस्केप हो गए, ठीक है। और एस्केप हो गए तो हो गए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर तो पठानी सूट पहन के दाढ़ी लगा के, ठीक है, बाहर आप नहीं निकल सकते, ठीक है। तो 7 जून को 1941 को वो वहां से निकल गए। निकलने के बाद में वो सीधा अफगानिस्तान के रास्ते होते होते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रास्ते होते होते वो बाद में शिप लेके पहुंच गया अपना जर्मनी।
मूवी में यही नाम दिया है, मतलब बस मेरा उसका नाम दिया गिर है और वो जो छोटा एक बचना था तो छोटा था था तो फिर बाद में ना ये पहुंच गए जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में ये पहुंच गए ऑन अप्रैल 1941, ठीक है, और अप्रैल 1941 वो जर्मनी में पहुंच गए थे, ठीक है, और अप्रैल 1941 ही arrive in Nazi Germany. Nazi ना वहां पर दिखा रहा था, हिटलर नहीं था ना, तो ठीक है वहां पर उनका बातचीत चालू हुआ और वहां पर जो थे वॉर प्रिजनर, ठीक है, उनको 4,500 को बाहर निकाला और वहां पर वो सोल्जर बनाने में काम उन्होंने लगा दिया, ठीक है, कौन सा कहाँ पर सेवेंटीन जैन 1941 को वहां से भाग के और जाते जाते जर्मनी में अप्रैल 1941 को वो पहुंच गए और वहां पर वॉर प्रिजनर 4,500 इंडियंस को लेके उन्होंने अपना वहां पर आर्मी खड़ा करना चालू किया, उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था इंडियन लीजेंड, ठीक है, इंडियन लीजेंड, उन्होंने वहां पर अपना आर्मी भी खड़ा करना चालू कर दिया था और उसका नाम रखा था